Today we are going to start political parties from the chapter civics, and this chapter is also going to be very important for your board examination. First of all, we will see the meaning of a political party. Earlier I have discussed with you, whenever we talk about democracy in civics, so many of the people, they don't know about the constitution, okay? वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं. अगर स्पेशली हम देखेंगे रूरल जगह पे जाकर के देखेंगे, जो कॉमन पीपल होते हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, फ्रीडम के बारे में उनको नहीं पता होता है. फ्रीडम का मतलब बस उनको इतना ही पता होता है, फ्रीडम का मतलब है कि हम लोग फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है. फ्रीडम का मतलब आपके सिविक्स में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और उसके मायने बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो मेनली जो लोगों के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है वो होती है लीडर्स की. तो लीडर्स कहाँ से आते हैं? लीडर्स ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. तो हमारे इंडिया में तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट क्या ऐसा दूसरे कंट्रीज़ में भी है? तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इंडिया में, जिस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके हमें नाम तक याद नहीं होंगे, इतनी सारी हैं, उनके सिम्बल्स भी कभी कभी डबल हो जाते हैं, वहीं दूसरे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके की हैं, वहाँ पर क्या सिस्टम है, और ये कंसेप्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो कहाँ से आया, किस तरह से आया, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ. देखिए, जब बहुत पहले आप लोगों को याद होगा, जब हमने पहले चैप्टर पढ़े थे हिस्ट्री में, तो वहाँ पर मोनार्की होती थी, तो वहाँ पर पार्टीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता था. जो राजा होता था उसका बेटा राजा बनता था, या फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था, या फिर रानी, जो उसकी बेटी अगर इकलौती बेटी है तो वो रानी बन जाती थी. तो इस तरह से मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, तो कोई भी अलग से कोई पार्टी वगैरह नहीं हुआ करती थी. लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आती गई, तो पहले क्या था, लेस डेमोक्रेसी एंड लेस पॉलिटिकल पार्टीज़, ओके. अब मोनार्की बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादातर कंट्रीज़ में मोनार्की थी, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे करके मोनार्की ख़त्म हो चुकी है और डेमोक्रेसी ज़्यादा है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वहाँ पर उतनी ही, उसी हिसाब से वहाँ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी है, ओके. तो यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ओके. तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हियर, अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections, okay? एक लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, होल्ड पावर इन गव, ठीक है. इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं तो जो जो जीतता है, जो मेजोरिटी में आती है पार्टी, वो गवर्नमेंट अपनी बनाती है. दे अग्री ऑन द सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. अब यहाँ पर इसका मतलब है कि उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और उनके ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं सोसाइटी से, ठीक है. तो उनको कलेक्टिवली उनको उसको प्रमोट करना होता है ना. कोई भी पॉलिसीज़ अगर उनको बनानी है, किस तरह के कानून बनाने हैं, वो सरकार सरकार बनाने के बाद उनको वो सारे काम करने पड़ते हैं. देन दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस. पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी. पॉलिटिकल पार्टी हैज़ थ्री कंपोनेंट्स. देखिए, सबसे पहली बात तो है कि उनको क्या करना पड़ता है, इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ता है, फिर उनको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, फिर उसके बाद उसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के थ्रू वो लोग इलेक्शंस को जीतते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. जो भी उन्होंने अपने वादे किए होते थे, जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी अपनी पार्टी को जिताने के लिए, उनको वो सारे वादे पूरे करने होते हैं. इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ फंडामेंटल कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो फर्स्ट है आपका द लीडर. सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे लीडर होते हैं, एंड एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और द फॉलोअर्स. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, द एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स में? देखिए, मेंबर्स जो कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, फॉलोअर्स वो होते हैं जो पार्टी में ना होकर के वो लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं उस पार्टी को, उसकी पॉलिसीज, उसकी एजेंडाज, जो भी उसका जो गोल है, या फिर उसकी एक तरह से हम देख सकते हैं कि उस पार्टी का क्या मोटो है, वो उसको ध्यान में रख करके उसको फॉलो कर रहा होता है. जैसे मान लीजिए, अगर मैं किसी भी एक पार्टी को मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये पार्टी हमेशा जीत करके आए क्योंकि मुझे इसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं क्या हूँ, उसकी फॉलोअर हूँ. मैं आई एम नॉट एक्टिव मेम्बर. यस, अगर मैं उस पार्टी में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ठीक है, कि रैली में शामिल हो रही हूँ, या फिर उनके लगातार जो लीडर्स हैं उनसे मैं मिल रही हूँ और उन्होंने मुझे मेंबर बना लिया उस पार्टी में, तो मैं आई विल बी कॉल्ड एक्टिव मेंबर. तो फॉलोअर्स में फ़र्क होता है, फॉलो करना सिर्फ, और एक्टिव मेंबर मीन्स कि आप उस
पार्टी के एक मेंबर बन चुके हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स हो गए, मीनिंग हो गया कि मीनिंग क्या होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फंक्शंस, यानी क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करती है पार्टी, इलेक्शन कंटेस्ट करती है। इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो इलेक्शंस कैसे फाइट करते हैं भाई, उन्हें अपने कैंडिडेट्स को उसमें चुनना पड़ता है उसके लिए, और फिर उसके बाद क्या होता है ये वो इलेक्शन आपस में कंटेस्ट करते हैं। आपने अपने स्कूल में भी देखे हैं कि किस तरह से इलेक्शंस किए जाते हैं, तो अलग अलग हाउसेस के, जैसे ग्रीन हाउस, वाई आपके ब्लू हाउस है, येलो हाउस है ना, रेड हाउस, इन सभी से क्या होता है कि जो अपने अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं टू विन, टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ओके। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज। अब यहाँ तो उन्होंने कैंडिडेट्स चुन लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, फिर उन्होंने अपने कुछ एजेंडाज बनाए, यानी उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ। जैसे मान लीजिए एक बीजेपी पार्टी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम राम मंदिर वाला जो मुद्दा है वो उसको सॉल्व करेंगे, और हम कश्मीर वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, हम ये करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, जिसको लेकर के जो वोटर्स थे उन्होंने अपने अपने अपनी चॉइस रखी, उस चॉइस के अकॉर्डिंग जिसको जो पसंद आएगा, जिसकी जो पार्टी की पॉलिसीज़ थी, जिसको जो पसंद आएगा वो उसको वोट देगा। इसीलिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं। अब आ जाता है, अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेसिस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अ पार्टी रिड्यूसेस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ द ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। अब अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस,